हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा बिल्डिंग्स में जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। आज भी एक ऐसी प्रॉब्लम मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरे दोस्त हैं शाहबाज़ भाई, इन्होंने आज मुझे अपने घर चाय पे बुलाया और बैठे बैठे डिस्कशन होने लगा कि इनके घर के सामने एक खंभा है, उससे बहुत ज़्यादा तार है, तो क्या उसको हम कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। पहले आप देखिए इनके बिल्डिंग के सामने तारों का गुच्छा किस तरह है और कैसे इनके घर के ठीक सामने खंभा है, देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा दोस्त है, उसने मुझे बुलाया था अपने घर पे। ये इसका घर है और इस खंभे पे देखिए कितने ज़्यादा तार हैं। मतलब मैं अगर गिनती शुरू करूँ शायद मेरी गिनती भूल जाऊँ, मैं इतने ज़्यादा तार हैं इस पर। और देखिए इस खंभे को और तार, मैं आपको बताऊँ असल में है क्यों। इनके ठीक सामने ये एक फ़्लैट है जो कि 400-500 गज़ का फ्लैट है, उसमें एक फ्लोर पर 4-5 फ्लैट है। तो जितने फ्लैट है हर फ्लैट के लिए अलग मीटर और हर मीटर के लिए एक अलग से तार इस खंभे तक आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको आज इसको कम करने का तरीका बताऊंगा ताकि खंभे पे कम से कम तार हो। आइए जानते हैं उसके आगे इसके बारे में आगे इस वीडियो में। इसका देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा जिसके, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है जिसके चचा विधायक हों। इसके चचा विधायक हों उनके लिए सबसे आसान तरीका है, वो अपनी स्कॉर्पियो लेके आएँ और इस खंभे पर दे मारें। खम्भा ना रहेंगे तार। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। और इसका मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका जो वो है इसका टेक्निकल तरीका इसका ये है कि आप जितने मेरे फ्लैट से जितने भी तार आ रहे हैं ना, उसके बदले आप एक ही एक हैवी गेज का, मतलब ये थोड़ा पतला तार है, आप एक ही हैवी गेज का तार लेके आइए अपने बिल्डिंग से। जब भी आपकी नई बिल्डिंग बननी उसी वक्त आप एक हैवी गेज का तार खंभे तक लेके आइए, तो जो आपके 20-25 तार जा रहे हैं वो एक ही तार में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अंदर बिल्डिंग में जाने के बाद बस बार के थ्रू कनेक्शन करिए। मीटर से पहले बस बार लगता है और बस बार में उसको उतारिए। और उस बस बार का मैं बताऊंगा, उस बस बार होता क्या है, मैं आप वीडियो देखिए आगे बताता हूँ बस बार होता क्या है, ठीक। जैसा कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि बस बार क्यों लगाना चाहिए, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि जो खंभे होते हैं बिजली के उनमें इतने तार आ क्यों जाते हैं, इतने सारे गुच्छा क्यों बन जाता है। तो जैसे कि सपोज करिए हमारी कोई बिल्डिंग है 5 मंजिले की, ठीक है, और यहाँ एक बिजली का खंभा है, ठीक है, ये उसका बिजली का खंभा है। अब इस हर एक फ्लोर पर सपोज करिए दो दो फ्लैट है, एक फ्लैट दो फ्लैट दूसरे पे तीसरा चौथा फिर इतना से दो दो फ्लैट है हर फ्लोर पर। अब जब इसका मीटर लगेगा तो बिजली वाला आएगा, जब ये फ्लैट बिक जाएगा तो इसको बिजली वाला आएगा, वो इसके मीटर से इसको एक करंट दे देगा, फिर जब इसका मीटर लगेगा तो वो इसके मीटर से एक करंट दे देगा। सिमिलरली हर फ्लैट का एक अलग मीटर जाता है, और कोई भी बिजली आता है एकदम एग्जैक्ट नाप के तार नहीं लाता, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाता है, फिर वो यहाँ पे गुच्छा बन जाता है। तो इस तरह से अगर इसमें 10 फ्लैट है तो 10 वायर हर फ्लैट में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अगर 10 वायर जाएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे तार का गुच्छा बन जाएगा और ये बहुत जाल सा लगेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इन 10 तार के बदले एक ही तार खंभे से यहाँ तक ले आइए, ठीक है ना। लेकिन वो ध्यान रखिए तार लाएंगे वो उस हिसाब से होना चाहिए, हैवी गेज का होना चाहिए। और एक वायर लाने के बाद उसको आप क्या करेंगे, बस बार के थ्रू जोड़ेंगे। देखिए बस बार बताता हूँ, बस बार लगाते क्यों है, बस बार हमारे लगाने की वजह ये होती है, सपोज करिए मैं एक हैवी गेज का वायर ले आया, ठीक है ना, और उसमें मैंने ये अलग अलग फ्लोर के मीटर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो होगा क्या, ये जो है अलग फ्लोर का, ये अलग फ्लोर का मीटर के बाहर आ रहा है, तो जब ये कभी हैवी लोड यूज करेगा, ये फ्रीज एसी चलाएगा, ये फ्रिज चलाएगा, तो इस जॉइंट पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे आग लगने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमारा हैवी गेज का एक वायर आया है खंभे से बिल्डिंग तक, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जैसे ये एक हैवी गेज का एक वायर आ गया, उसके बाद हमें बस बार एक डिब्बा आएगा, डिब्बी आएगा, उसके अंदर ये एक एल्यूमिनियम की कॉपर की एक पत्ती होती है जिसमें छेद होते हैं, इसके अंदर हम इस तरह करके लगाएंगे ना, ये अलग अलग मीटर के या अलग अलग फ्लैट का मीटर का वायर है, एक ये फर्स्ट फ्लोर का हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया, तो इस तरह से क्या होगा, ये कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, इससे ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे हमारा आग लगने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि बस बार हमें जरूर लगाना चाहिए ताकि हम अगर हैवी गेज कर रहे हैं तो हमारा बिल्डिंग में मीटर बिजली के वायर में आग ना लगे। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि हमें बस बार क्यों लगाना है, ठीक है। और मैं बताऊंगा बस बार के साथ साथ जो मीटर लगाया था उसको भी थोड़ा सा खूबसूरती के साथ लगाइए, मतलब प्रॉपर लेआउट की तरह लगाइए। मार्केट में बाकायदा एनर्जी मीटर के पैनल बॉक्स भी आते हैं कि उसमें कितने मीटर लगने हैं, उस तरह से लगे, मैं एक फोटो लगा रहा हूँ उस तरह से लगाइए। मेरे एक दोस्त हैं शायद वो इसीलिए परेशान भी है, उनकी बिल्डिंग में इतने बेदर्दी से मीटर लगा दिए हैं, देखिए वो कैसे परेशान है, उनकी वीडियो देखिए आप। ये देखिए जो मैं बस बार की बात कर रहा हूँ, ये जो ऑरेंज वाला देख रहे हैं आप,
इसी को बसबार बोलते हैं। इसमें इन्होंने लेकिन चार वायर डाल रखे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है बसबार आने का। इसी में आप एक हैवी गेज का वायर डालते हैं, जिससे खंबे पे वायर जो चार पांच वायर डाले हैं वो एक ही वायर चला जाता है, उसके बाद इस बसबार में आता, तो आपके खंबे पे वायर कम हो जाता, जो खंबे पे जाल बन जाता है वो वायर आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा बस बार लगाने के बाद थोड़ा इसको खूबसूरत तरीके से लगाइए, देखिए कितनी बेदर्दी से लगा रखा है, एक का एक तार कहीं जा रहा है तो दूसरा तार कहीं जा रहा है। ये इसी बिल्डिंग में हमारे इरशाद भाई हैं, सामने इसी बिल्डिंग में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, कुछ कहना चाहते हैं जी इरशाद भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद इरशाद, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ओ गाइस, हां कि ये मीटर जो लग रहे हैं हमारे बिल्डिंग में, तो हमने अभी पेंट ऑन कराने की कोशिश किया था, ताकि बहुत अच्छे करवा दूं। हमें किसी ने बताया कि आपको बिजली ऑफिस से कंप्लेन करना पड़ेगा, मीटर हटवानी पड़ेगी, तभी आपको पेंट करवा सकते हैं। तो हम कहें कि ये नौबत आती क्यों है, ये ऐसा आप बिजली विभाग ऐसे मीटर लगाए जो हम पेंट भी आसानी से कराए, खूबसूरत तरीके से लगे, या बॉक्स टाइप का हो, कुछ ऐसा हो, या प्लाईबोर्ड का दीवारों पे लगा के उस पर मीटर फिक्स करा करें। ये बड़े गंदे तरीके से, देखिए यहाँ पे हमें बिजली का काम करवा रहे थे तो हमारे मिस्त्री को करंट भी मार दिया। अच्छा, ये देखिए कितनी गंदी तरीके तारे जा रही है ऊपर में नीचे में हर जगह, तो ये कंजेस्टेड क्यों? मतलब हम कह रहे हैं कि अगर बिजली विभाग चाहता तो सही कर सकते थे। बिल्कुल, और फ्लैट बाय फ्लैट जो मीटर देते हैं बहुत अच्छी बात है। और मैं प्लस पॉइंट कर रहा हूँ कि इसमें आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर की बॉक्स है, इसमें कितनी तारे आ रही है सारी, ये तारे आती और इसी तक कनेक्ट करके सारे मीटर को लाइन दिया जा सकता था। हमारी वीडियो में इसी के ऊपर है कि आप खंभे पे वायर कैसे कम करें। ये चीज, ये लापरवाही बिजली ऑफिस का और लापरवाही बिल्डर का भी है, जो ऐसे खूबसूरती में, ये अगर ये सपोज करें, सुनो भाई, अगर इसमें आग लग जाती है तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एक मीटर में लगेगी सारी में लग जाएगी, बिल्कुल पूरी बिल्डिंग में आग फैल जाएगी। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ प्रोवाइड हो जो हम कंट्रोल कर पाए, आग को भी कब्जे में कर सकते। तो मैं थोड़ी सी अल्फाज मेरे थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो देखा आपने, ये इसी बिल्डिंग में रहने वाले हैं, कैसे परेशान है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी बिल्डिंग में मीटर लगाएं अलग अलग फ्लैट के, उसको सही तरीके से बस बार के थ्रू और थोड़ा अच्छे तरीके से सलीके से लगाएं, ठीक है भाई। जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि बिजली खंभे पर अगर बहुत ज़्यादा वायर हैं तो उसको एक वायर के थ्रू आप कैसे कम कर सकते हैं बस बार लगा के, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके घर के ठीक सामने खंभा है, ठीक है ना, वायर कम करने का मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपके घर के ठीक सामने खंभा है तो उस खंभे को हम कैसे हटा सकते हैं, ठीक है ना। खंभे को हटाने का मैं तरीका बताता हूँ, देखिए आप वीडियो देखिए। आपको खंभा अगर हटा रहे हैं तो आप ऐसे अपनी बालकनी में एक लोहे का फ्रेम बना के, ठीक है ना, लोहे का फ्रेम बना के उसके एंड पे लकड़ी की ऐसी सपोर्ट लगा के, ये आप देख रहे होंगे ये लकड़ी की एक सपोर्ट चली है और उसके बीच में तार लगे हुए हैं, ताकि तार का अगर करंट भी आए तो वो लोहे पर ना आए। वैसे लोहे पर करंट आ जाएगा तो भी लोहे पर करंट आएगा नहीं, क्योंकि कभी भी एक तार से करंट नहीं आता, जब तक उसका सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक लोहे में करंट या बिल्डिंग में करंट नहीं आएगा। आपने देखा होगा चिड़िया एक तार पर बैठी रहती है तो भी उसको करंट नहीं लगता, वो यही वजह है क्योंकि उसका सर्किट पूरा नहीं होता है। तो अगर ये तार एक टच भी हो जाए, लकड़ी ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक दोनों तार टच नहीं होंगे जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा, जब तक पूरी आपकी बिल्डिंग में कभी भी करंट नहीं आएगा। मैं तार को छू के दिखा सकता हूँ, लेकिन रिस्क लेने का फायदा एक वीडियो चक्कर में, ठीक है ना। बस आप यहीं समझ जाइए कि अगर आपको अपने घर के सामने से खंभा हटाना है तो उसका यही तरीका है कि आप बस एक लोहे का फ्रेम बना के, ठीक है ना, और अपनी बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर कर दीजिए नीचे से खंभा, क्योंकि खंभे का कोई काम नहीं बिजली का लेन देन आने जाने से, खंभे काम सिर्फ ये तार को एक हाइट देना, और वो हाइट आपकी ये रॉड ये फ्रेम लोहे का फ्रेम भी ऐसे ही काम करेगा। तो जैसा आज मैंने आपको बिजली खंभे से वायर कम करने का तरीका बताया, ठीक है ना, और मैंने आपको फिर बताया कि आपको अगर घर के सामने खंभा है तो खंभा कैसे हटाना है, उसका मैंने तरीका बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि आप खंभा हटा ही नहीं पा रहे, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड के लिए है, जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, जो मेरे हिंदू क्लाइंट्स हैं उनके लिए है कि अगर उनके घर के सामने अगर बिजली का खंभा आ रहा है तो वो उसके वास्तु दोष को खत्म करने के लिए अष्टकोणीय दर्पण, ठीक ना, वो बोलते हैं अष्टकोणीय दर्पण इस अपने मेन गेट पर लगा दें। उससे क्या होगा, आपके जो उस बिजली के खंभे से जो वास्तु दोष आ रहा है उससे आपको वो सॉल्यूशन अच्छा हो जाएगा उससे आपके लिए, ठीक है ना। तो आप अष्टकोणीय दर्पण का इस्तेमाल करें अगर आपके घर के सामने ठीक खंभा आ रहा है, तो बिजली का कोई खंभा आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।